मैं उस बिंदु पर आना चाहूंगा जिस बिंदु को बहुत प्रासंगिक मानते हुए परमादरणीय श्याम सुंदर बोस जी ने युवा शक्ति से अपील की है कि वो जन जागरण करें। विषय बहुत से हो सकते हैं, लेकिन आज युवा शक्ति का जब भटकाव देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से सबसे पहली जो अपील है युवा शक्ति से, वो एक लाइन से मैं शुरू करता हूं कि हमें कानून हाथ में नहीं लेना है, हमें संविधान हाथ में लेना है। जब बाबा साहब ने आंदोलन शुरू किया, वो जानते थे कि हमारा दमन दो तरह से हो सकता है, अंग्रेजी राज से भी और मनुवादियों के द्वारा भी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई सम्यक शिक्षा एक ऐसा रास्ता है जिससे हम कानून हाथ में, संविधान हाथ में, कानून के साथ चलकर लड़ाई जीत सकते हैं और सम्यक शिक्षा का रास्ता अपनाकर संविधान बनाने तक पहुंचे। जब भटकाव आ जाता है युवा शक्ति में, उस भटकाव के कारण हमारी बहुत सी ऊर्जा, हमारे बहुत से संसाधन, हमारे बहुत से युवाओं का समय खराब होता है। सहारनपुर में अभी देखने को मिला कि हम कहीं ना कहीं, हमारी गलती है कि हम अपने युवाओं को सही तरीके से समझा नहीं सके, और उसका नतीजा निकला कि आज बहुत से युवाओं में जो शब्बीरपुर कांड से जुड़े हुए हैं उनमें निराशा का भाव है। लोगों को जेल में डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया। यह इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ संविधान लेकर जीत सकते हैं, कानून हाथ में लेकर नहीं जीत सकते। युवा शक्ति जब उपजातिवाद का शिकार हो जाती है, किसी ने लिखा द ग्रेट ठाकुर, आपने लिख दिया द ग्रेट चमार, आप किसका उद्देश्य पूरा करें? आप एक इंस्ट्रूमेंट बन गए जातिवाद का, उपजातिवाद का। बौद्ध जी ने शाम को गीतों भरी शाम युवाओं के नाम रखा है। मैंने युवाओं के कई गीत सुने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, किसी का नाम नहीं लूंगा। हम तो युवाओं को भी, साथियों को, सबको जो जिस स्तर से जैसा कर रहा है उसको उत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन दिग्भ्रमित अगर हमारे साथी, हमारे छोटे भाई हैं तो उनको मैं ये अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने गीत संगीत के माध्यम से एक तो भक्ति भावना ना फैलाए। भक्ति का स्थान अंबेडकरवाद में नहीं है। आडंबर ना फैलाए, आडंबर का स्थान बौद्ध धर्म में नहीं है। उपजातियों के नाम से गाने गाना निश्चित रूप से, किसी ने कहा पूत चमारा के, तो पता लगा पूत पासी वाले नाराज हो गए। किसी ने गाना गा दिया वाल्मीकियों के ऊपर, पता लगा चमार नाराज हो गए। हर जाति उपजाति अगर डॉक्टर अम्बेडकर बात को अपनी तरफ खींचेगी तो 1102 तरह के तो शेड्यूल कास्ट हो गए और 112 तरह के चमार कहां कहां खींचोगे। कई युवा साथी व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं कि हमको इस्लाम धर्म अख्तियार करना चाहिए था, हमको ईसाई बन जाना चाहिए था। हमारे बहुत से युवा साथी कुतर्क में पड़ जाते हैं। तार्किक होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, लेकिन शिक्षित पहले होना चाहिए। सिखाने से पहले हमें सीखना होगा। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते,
तो पांच बार प्रार्थना कर लेंगे, पूरे दिन घूंघट करके रह सकते हैं। और कई इस तरह के संस्कार हैं निश्चित रूप से अन्य धर्मों में, किसी धर्म का नाम ना लेते हुए, कि जो काफी क्लिष्ट है, कठोर है, और अधिक अनुशासन चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं में तो सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना है, वो छोड़ नहीं पाए। कई युवा साथी सन 70 से काम कर रहे हैं, नाम रखा हुआ है राम आश्रय, राम कोई भारतीय बौद्ध महासभा में कोई किसी से नाम जिलता हो, मेरा व्यक्तिगत नाम से नहीं। नाम हमारी पहचान है, पहचान जाति नहीं है। जाति के ऊपर आधारित कोई अच्छा काम नहीं हो सकता, कोई निर्माणकारी काम नहीं हो सकता। यह आपके विध्वंस के लिए बनी। अगर आज पुणे में कांड होता है तो इसलिए कि आपने डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को नहीं माना जब उन्होंने शव कास्ट, शव ड्राइव, अदर बैकवर्ड क्लासेस को सांस्कृतिक रूप जोड़कर बौद्ध समाज बनाने का सपना देखा। राजनीतिक रूप से माइनॉरिटीज को मिलाकर सत्ता पर काबिज होने का सपना देखा, अपने थॉट्स में लिया। निश्चित रूप से मनोवाज दोबारा से पैर बढ़ा रहा है, वो संविधान की जगह वर्ण व्यवस्था कायम करने वाली किताब रखना चाहते हैं। वो इतिहास को युवा ध्यान दें, हमारे युवा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर यहां बैठे हैं, उन्होंने बुला रखा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को, यूज कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को, किस तरह पौराणिक चीजों को, अवैज्ञानिक चीजों को ऐतिहासिक बनाया जाए, किस तरह प्रयास किया जाए कि हवाई जहाज भी यही बना था, किस तरह प्रयास किया जाए कि एड्स की दवाई भी यही बनी थी, किस तरह प्रयास किया जाए कि घड़ी, साइकिल, सब चीज यही बनी, जबकि इन्होंने जाति उपजाति के अलावा कोई आविष्कार नहीं किया। आविष्कार किए हवन के, टोना टोटका के, नींबू से क्या होगा, हरी मिर्च में विटामिन सी का नहीं किया, हरी मिर्च से क्या टोना टोटका होता, ये सब किया। अंधविश्वासों का रास्ता दिखाया। और हमारे यहां जो हमने शिक्षा ली वो सम्यक शिक्षा नहीं ली, हमारे युवाओं का हाल जानते हैं। आईएएस अधिकारी होने के बाद एक होम सेक्रेटरी भूतों की कहानियां सुना रहे थे, ये सम्यक शिक्षा नहीं है। हम अंबेडकर वाद के रास्ते पर चले, युवा साथियों ध्यान देना, मेरे माथे पे कभी कोई तिलक नहीं लगा, मेरे पिता आईपीएस अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईजी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। मैं पुलिस कप्तान हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। मेरी बेटी और दामाद इसी बैच में आईएएस बने, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से। वो माथे के तिलक की वजह से चाहे कितना ही लगाना युवा साथी और नहीं होंगे, हाथों पे कितना ही कलावा बांधो देखो कोई नहीं है, कभी नहीं लगाया, कहीं किसी टेम्पल एंट्री मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया। हमारे बहुत सारे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए चल रहे हैं, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के अधिकारी भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट चल रहे हैं। युवा साथियों त्रिभंग होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अम्बेडकरवाद और एक पेज का 22 प्रतिज्ञा आपके कल्याण के लिए काफी है, आपके विकास के लिए काफी है। हमने कभी गंगा स्नान नहीं किया, कुंभ में एसपी ट्रैफिक रहा 3 महीने, एक दिन नहीं आया, लेकिन सफल रहा, बड़े बड़े पदों पर रहा, कोई टोना टोटका नहीं किया, कभी उपवास नहीं किया, कभी दिन नहीं दिखवाए, घर बनाया कभी वास्तुकला का ध्यान नहीं रखा, ज्योतिष शास्त्री के पास कभी नहीं गया, कहीं चढ़ावा नहीं चढ़ाया, ना दूध का ना खीर का,
सफलता का रहस्य अगर कोई है तो ये कि हमने अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने संसाधन पूजा पाठ में बर्बाद ना करके जब फेल हुए तो पास होने के लिए समय बढ़ाया, असफल हुए तो स्ट्रेटजी बनाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखा। युवा साथियों, विकास का और कल्याण का अगर कोई दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फार्मूला है, विज्ञान के रास्ते का, नैतिकता के रास्ते का, तो बौद्ध धर्म ही है। किसी एक ने बताया साहब ये बड़ा नीरस धर्म है बौद्ध धर्म। हमने उन्हें शुरू किया और मेरा जो हमारे युवा गीतकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, कभी उनसे भी दरख्वास्त है थोड़ा सा अपना लेखन, अपना काव्य रचना बौद्ध समाज के उन लोगों को एड्रेस भी करें और उन ग्रंथों पर भी कुछ लगे, ताकि इन लोगों को लगे, साधारण लोगों को जो ये कहते हैं कि बौद्ध समाज, बौद्ध दर्शन ये धम्म नहीं है, परफेक्शन यहाँ नहीं है। व्यक्ति के विकास के लिए अगर 10 पारंगताओं पर चलोगे, मध्यम मार्ग पर चलोगे, सब कुछ मिलेगा। गणीय मेत सूत्र, महामंगल सूत्र आपके परिवार को और आपके समाज की ड्यूटी पूरी करने में सक्षम। जो जातिवाद चल रहा है, जो देश के अंदर अत्याचार चल रहा है, उसमें सिर्फ बहुजन यूनिटी काम आ सकती है, बौद्ध होने की, बहुजन होने की पहचान काम आ सकती है। युवा साथियों, आपको कुछ कानूनों की मांग करनी है, कुछ देश के अंदर बदलाव की मांग करनी है। सबसे पहला कानून, बाबा साहब ने किताब लिखी थी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, हमें कास्ट के खिलाफ कानून की मांग करनी है। ना सिर्फ देश में, ये कास्ट वाले मनुवादी जब इंग्लैंड अमेरिका जाते हैं तो अपनी कास्ट वहां भी लेके जाते हैं, वो भी घबराए हुए हैं, ऐसा ना हो हमारे देश को बांट दे। कानून बनाना पड़ेगा, बिना कानून बनाए हुए जाति और उपजाति फैला फैला कर परेशान कर देगा। हमारे रिप्रेजेंटेशन का कानून, राइट टू वोट है आर्टिकल 326 में, रिप्रेजेंटेशन दुनिया का सबसे कम है। रिजर्व सीट पर इतनी बड़ी कॉन्स्टेंसी होती है कि आपकी बात आपका प्रतिनिधि नहीं सुन पाता। दुनिया के अंदर सबसे कम रिप्रेजेंटेशन का अगर कोई देश है तो ये देश है। हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हमें छोटे स्टेट चाहिए, आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें मांग करनी होगी युवा साथियों कि हम छोटी कॉन्स्टेंसी की मांग करें। प्रोन्नति में आरक्षण लंबी थे, वो पास कराना आपकी जिम्मेदारी है। संविधान हाथ में लेकर, संविधान तो लोग ताक पर रखे हुए हैं, जो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने संविधान पढ़ना बंद कर दिया। महिलाओं का आरक्षण लंबित है, क्योंकि जानते हैं कि महिला पुरुष से ज्यादा न्यायप्रिय है। खतरा उनको विदुषी जैसी महिलाओं से, डॉक्टर कौशल पवार जी से, कामले जी से, कहीं ऐसा ना हो देश विदेश में ये परचम लहरा दे, टीना धामी से, डॉक्टर अविलोकिता, डॉक्टर योगेश से। हमारे युवा जो हर जगह नौकरी में आकर आगे बढ़ रहे हैं, अब पोल खुलनी शुरू हुई है, हमें दबाने के लिए, माइनॉरिटीज को निरुत्साहित करने के लिए हर नौकरी की हर जगह रिप्रेजेंटेशन कम हो उसके क्या तरीके हैं। साक्षात्कार एक ऐसा एकेडमिक वर्ड है जो मनुवाद का नया नाम है। साक्षात्कारों के आधार पर 50-60 साल से मनुवाद जिंदा है। युवा साथियों, आपको विरोध करना होगा इसका, साक्षात्कारों का, कि साक्षात्कारों की देश में किस चयन के लिए आवश्यकता है। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन है तो मेडिकल होता है, मेंटल एग्जामिनेशन है, माइंड देखना है तो रिटन एग्जाम होता है। हमारे उम्मीदवारों को जो नंबर दिए जाते हैं, चाहे IAS हो चाहे चपरासी की नौकरी हो, उसे निरुत्साहित करने के लिए नंबर दिए जाते हैं। न्यायालय में आरक्षण के लिए युवा साथी आपको रोना है, आरक्षण भी जब साक्षात्कार बंद हो जाएगा, चयन समितियां अच्छी हो जाएगी, उन्होंने हर चीज की कार्ड ढूंढ रखी है, कॉलेजियम ढूंढा, बेसिक स्ट्रक्चर ढूंढा, जज ही जज को अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खतरा है।
कौन बचाएगा डेमोक्रेसी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अगर आप असली संतान है युवा साथियों, तो संविधान को बचाना, सामाजिक न्याय को बचाना, आरक्षण को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। एकाधिकार, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे पद हो, अत्याचारों के नए नए तरीके ट्रांसफर करके, पोस्टिंग करके, एसीआर खराब करके, इन सब पर भी युवा साथियों की नजर आनी चाहिए। एकाधिकारों के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। नरेंद्र दाभोलकर ने महाराष्ट्र में कानून बनवाया एंटी मैजिक एक्ट। वहां लोग प्रचार किया करते थे कि हमारे हाथ में, हमारी उंगलियों में बहुत ताकत है, हम बच्चे का लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, बड़े बड़े दावे अंधविश्वास वाले कर सकते हैं। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ठगी है। युवा साथियों ध्यान दो, नई नई चीजों में ध्यान दो। अंबेडकरवाद डायनामिक नॉलेज का नाम है। वो विदेश से पढ़ के आते हैं, वो प्रयास करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ ही सही है, और आप अपनी सही बात को सही सिद्ध नहीं कर पा रहे। हमको इस देश के अंदर विज्ञान को बचाना है, इतिहास को बचाना है। वो तो राष्ट्र की परिभाषा को बताते हैं कि साहब काउ विजिलेंटिज्म शुरू कर दिया, पशु इंसान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे माहौल में निश्चित रूप से अगर इंसान इकट्ठे नहीं हुए, बौद्ध समाज इकट्ठा नहीं हुआ, तो लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा। इस खतरे को युवा अच्छी तरह से देख सकते हैं, इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। युवाओं के साथ मैं ये मान के चलता हूं कि बच्चे, बुजुर्गों, महिलाओं को भी अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। मैंने जो अध्ययन किया है, अवलोकन किया और मनन किया, मैंने देखा बच्चों से ज्यादा अच्छे नारे कोई नहीं लगा सकता, बच्चों से ज्यादा अच्छी अपील कोई नहीं कर सकता। हमारे बच्चे अपील करने में, नारे लगाने में, चाहे वो उत्सवों के अंदर जो गंदगी फैलती है, समीक्षा करना सीखे। आज दिल्ली का धुंध, लखनऊ का धुंध, गाजियाबाद का धुंध, पूरी दिल्ली को, पूरे महानगरों की सिर्फ विज्ञान में विश्वास न होने के कारण चपेट में लिए हुए। कारण है पटाखों का। रोड साइंटिस्ट नए नए कारण लेके आते हैं, क्योंकि पटाखे जुड़े हुए हैं किसी त्योहार से, उसका विरोध नहीं चाहते किसी की इकोनॉमी से। हर उत्सव मनुवादी को अमीर करके जाता है और बहुजन को गरीब करके जाता है, पर्यावरण को खराब करके जाता है। कोई सा उत्सव हो, बिना नाम लिए समझ जाओ, अपने आप समीक्षा करो, समय संसाधन अलग खराब करेंगे। अगर खुश रहना है, पूरी दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो भूटान का सबसे ज्यादा रहता है या नॉर्वे का सबसे ज्यादा रहता है? हैप्पीनेस का इंडेक्स, अगर हैप्पीनेस का इंडेक्स बढ़ाना है तो निश्चित रूप से बौद्ध समाज का आपको अंग बनना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, पे बैक टू सोसाइटी की स्टार्ट किया, इवन इफ यू हैव लिटिल गिव। येल यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन हुआ कि जब आप किसी को कोई चीज देते, भले वो 1 लाख हो चाहे 1 रुपया हो, उससे आपके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। जब आप, चाहे वो अपना अनुभव दें, बुजुर्ग अपना अनुभव दे सकते हैं, महिलाएं अपना अपना जोश, अपना पे बैक टू सोसाइटी के अंदर अपने तौर तरीके बदल करके दे सकते हैं। वो बदलाव क्या होते हैं मानव शरीर में? पहला बदलाव, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं। डॉक्टर लोग जानते होंगे मुझसे ज्यादा, आप खुश रहने लगते हैं। दूसरा बदलाव, ऑक्सीजन बढ़ती है जब आप कुछ देते हैं, पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, तब भी खुशी बढ़ेगी। कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है जिसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है। कितना सस्ता सौदा है खुश रहने का। पे बैक टू सोसाइटी के मेंबर बनिए, पे बैक टू सोसाइटी करने लगे। निश्चित रूप से युवा साथियों, आप अपनी सही दिशा चुनकर ये तय कर लो कि हमको अपना एक भी युवा बेकार नहीं करना। मनुवादियों का जो सबसे खराब मेंबर है उसको भी पता कहाँ लगाते हो? अघोरियों के बारे में अगर जानते हो, अघोरी
क्योंकि खान पान उनका रहन सहन दुनिया में शायद किसी पशु का भी नहीं, लेकिन उन्होंने वो लोग जो किसी काम के नहीं थे उनको भी लगा रखा है, उनके भी लोग पैर पकड़ते। ऐसे ही हम अपील करते हैं युवा साथियों से, दो मिनट बस, हम अपील करते हैं युवा साथियों से कि जो डॉक्टर मास्टर वकील बनना चाहते हैं बने, ना बनना चाहते हैं घूमने फिरने का शौक है धर्म के क्षेत्र में आइए, भिक्षु बन करके घूमिए फिरिए, बाईस प्रतिज्ञा का प्रचार करिए, अंधविश्वास कम करिए, आपके भ्रमण का शौक पूरा होगा, लोग सम्मान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको अपना सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो बदलाव है वो लगातार करना है, आगे आकर के ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बदल देगा, ये बदलाव आपको करना है। हर दिन को मीनिंगफुल बनाइए, अर्थपूर्ण। हमारे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने अब तक धोखा दिया, खासतौर से क्लास वन क्लास टू अधिकारी, वो पे बैक टू सोसाइटी में विश्वास न करके अभी तक टेम्पलेटरी मूवमेंट भी लग रहे हैं, इस एनर्जी को बचा करके अंबेडकरवाद की तरफ ले जाइए। 22 प्रतिज्ञा से ज्यादा छोटा सारांश कोई और नहीं हो सकता जीवन जीने का, मैं इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद शांत स्वरूप जी के परिवार को, और मैं अपना महाभक्ते महाभगवान ज्ञानेश्वर जी को एक बार फिर प्रणाम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।